तो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो ट्रिप होने वाला है वो बद्रीनाथ का होने वाला है। हम यहाँ से सीधे डायरेक्टली बद्रीनाथ जाने वाले हैं और फिर आज वहीं रुकेंगे, कल शाम को वहाँ से निकलेंगे। और जो हमारा प्लान था ये कल तक अनसक्सेसफुल था, रात को भी अनसक्सेसफुल था, और अभी जाके मॉर्निंग में जाके ये प्लान सक्सेसफुल हो पाया है। तो इसलिए क्या होता है कि जो प्लान आपने बहुत दिनों से बनाया रहता है वो सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन जो इंस्टेंट प्लान बनता है वो सक्सेसफुल होता है। तो ये प्लान अभी तक तो सक्सेसफुल है। अब निकलने वाले हैं और मेरे साथ ही यहाँ तैयार हो रहे हैं और हम अभी सीधे निकल रहे हैं यहाँ से। किधर जा रहे हो आप? हम जा रहे हैं बाइक में, हम हैं छह लोग, तीन बाइक्स हैं, उसमें निकल रहे हैं। टाइम हो रहा है 8:11 और अभी हम अभी घड़ी में हैं। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। दोस्तों, जो ये बद्रीनाथ है ये आपका उत्तराखंड में है, और अगर आप बद्रीनाथ आना चाह रहे हो तो आपको लगभग पहले हरिद्वार आना पड़ेगा, देन हरिद्वार से बद्रीनाथ जाना पड़ेगा, जो कि वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है। तो आप गाड़ी में आ सकते हैं और मज़ा उठा सकते हैं। वहाँ अभी ठंड होगी, बर्फ पता नहीं गिर रखी होगी कितनी गिर रखी होगी, लेकिन होप सो कि बर्फ गिरे ताकि हम बर्फ़ का मज़ा ले सकें। वहाँ बहुत कुछ चीज़ें हैं देखने के लिए। पहले हम अपनी बाइक को पकड़ते हैं, बाइक मीन्स स्कूटी। पहले हम अपनी स्कूटी को पकड़ते हैं फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारे ये बद्रीनाथ धाम है, वो हाँ कृष्ण भगवान जी विराजमान रहते हैं। और ये उत्तराखंड में 4 धाम में से 1 धाम है, और ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसके जो कपाट बंद होने वाले हैं वो आपका 8 नवंबर के मिड में होने वाले हैं। तो अभी हम जो जा रहे हैं आज है 30th October, तो अभी तो नहीं होगा बंद, ठंडा होगा रास्ता में, लेकिन कोई नहीं, हमें जाना तो है। और बाइक में बहुत मज़ा आने वाला है, अब देखिए आगे बहुत मज़ा आने वाला है। हम आगे माणा तक जाएंगे, माणे से आगे एक धारा आता है, बहुत अच्छा धारा है, वहाँ भी देखेंगे कैसा है, सब कुछ दिखेगा आपको। आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहिए। यहाँ पे हमें चेक करना है कहीं हवा कम तो नहीं है, क्योंकि ये जो सफर है बहुत लंबा है। सफर कैसा है ये सफर, चमोली के लिए आप देखिए ऊपर कितना तक आ रहा है। और जो एक ये रोड है इधर के लिए, ये पीछे ये है आप कर्णप्रयाग के, तो अगर कोई हरिद्वार से आ रहा है तो उसको इधर से उधर जाना पड़ेगा, यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। तो अभी हम इसका किस वाले रोड से आ रहे हैं, चुके हैं और वो अभी तक लोग नहीं आए, कोई भी नहीं आए। हम बहुत आगे निकल चुके थे और बहुत आराम से आ रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:30 और अभी तो हमें दूसरी मिनट से आगे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग बहुत आलसी हैं, बहुत आराम से आ रहे हैं, इसी कारण टाइम लग रहा है। पैरों को बांधे बेड़िया,
बता ऐसा कहानियां। तो रोशनी तू रंग है, तू उड़ रही पतंग है, बना है तू ढाने का सब आसमान है, तो इस जमाने का दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला था, जो हमारे दो साथी जो गोपेश्वर से आने वाले थे वो नहीं आने वाले थे, क्योंकि उनके घर वालों ने इन्हें बाइक नहीं थी आने के लिए, लेकिन उन्होंने थोड़ा हाथ जोड़े होंगे तो उनको दे दी है। और अभी वो चमोली पहुंच चुके हैं और हम यहाँ हैं अभी पीपलगुड़ी से बहुत आगे, तो अभी हम उनको आराम आराम चलते ताकि वो भी हमारे साथ आ जाएं। गुजर ऐसी राह से गुजर, पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे हमारे जो दो साथी थे वो आने वाले थे, हम उनके लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से हमें आगे जाना है बद्रीनाथ के लिए, जो कि यहाँ से आपका 43 किलोमीटर है, और ये मेरे को लग रहा है नीचे वाली रोड जाएगी बद्रीनाथ के लिए। तो अभी तो पहले हम उनका वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे, वो पहुँच ही गए हैं लगभग, और यहाँ पर बस वेट ही कर रहे हैं हम। ये फाइनली पहुंच चुके हैं, ये देखो इनको, ये वो दो लोग जो उस समय से नहीं पहुंच पा रहे थे यहाँ। दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। जैसे आपको बता दें यहाँ पे वैक्सीन, आपको बताना कि वैक्सीन लगी नहीं, अगर आपको डबल डोज वैक्सीन लग रही है तो ये चेक नहीं कर रहे, अगर नहीं लग रही है फिर ये आपको रोक रहे हैं, आपसे पूछे आपका नाम लिखा जाएगा वहाँ पे। जो बचा है वो बस 2 किलोमीटर बचा है यहाँ से आगे ही, तो फिर बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है मेरा, तो मैं टाइम चेक करूँ, टाइम हो रहा है 4:18, तो हम घर से निकले थे 8:30 और यहाँ पहुँच गए 4:18, तो हम बहुत जगह रुके भी थे और आराम आराम से, इसलिए हमें लेट हुआ। और जो आपका डिस्टेंस है, मैं आपको डिस्टेंस एक बार एक कन्फर्म था आज उनकी, जो चमोली से यहाँ डिस्टेंस है वो लगभग 50 किलोमीटर आपका जोशीमठ तक है, और 40 या 42-45 किलोमीटर यहाँ तक है। यहाँ पे रोड भी बहुत अच्छी हो रही है, ऐसा नहीं है कि रोड ख़राब हो रही है, रोड बहुत अच्छी हो रही है, कहीं कहीं पे हो रही है थोड़ा बहुत रोड ख़राब, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है ख़राब। बस आप पहुँच ही चुके हैं, चलते हैं आगे, जैसे मंदिर दिखाते हैं आपको। कमरे ढूंढने के लिए जा रहे हैं, यहाँ किसी के रिश्तेदार रहते हैं, तो अभी हम कहते हैं कि वहाँ कमरा मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर जो दर्शन करेंगे हम वो मॉर्निंग में करेंगे। और अभी बैग भी मैं बैग पैक कर लेता हूँ, जो हमारा हमें एक ये होटल मिला है, इस होटल को देखिए, ये होटल है क्या हुए? गोलू और अरविंद
यो कमरा में न्यान के साहब है, यो कमरा में अशुल भाई साहब है। हमें कमरा मिल चुका है, हमारे कोई जानने वाला था यहाँ तो उसने कमरा दिला दिया है। और जो कमरे का जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 1000 के हैं दो कमरे, लेकिन क्योंकि जान पहचान है तो कमरे का मे भी फ्री हो सकता है, हम अभी बता नहीं है। अभी हम थोड़ा चल रहे हैं घूमने के लिए, खाना खाने के लिए, हमने खाना खाया नहीं कुछ भी। और जो मंदिर चलेंगे हम कल चलेंगे, स्नान कल करेंगे, फिर कल हम माणा चलेंगे तो वहाँ से, और वहाँ से जो आगे जो जो होती हैं जो चीज़ें वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। अभी हम बस खाना खाएंगे, थोड़ा इधर उधर घूम लेंगे, देखेंगे क्या क्या है, आपको भी दिखाएंगे क्या क्या है यहाँ। ब्रेड फास्ट है, ब्रेड फास्ट में क्या होगा, मोमोज और चाउमीन। चाउमीन हेलो दोस्तों, हेलो करो भाई, कैमरे में आ जाएगा। हेलो ऐसे कर रहा है स्लो मोशन। अभी हम यहाँ एक होटल में और हमने चाय मंगा रखी है और मोमोज क्या मंगा रही है, मैगी चाय और मैगी खाएंगे। अभी रात में खाएंगे हम थोड़ा टाइम फूड, अभी तो फास्ट फूड ही खाएंगे अभी, क्योंकि ज़्यादा उतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही है। और यहाँ पे एक दही की दुकान है तो अभी यहीं पर खा रहे हैं। हम थोड़ा यहाँ मार्केट में घूम रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ। आप दुकान पे देख सकते हैं, कुछ ले लो बच्चे के लिए। जितनी चीजें हैं सब खाओ भाई, दुकानें बहुत सारी है, मंदिर आगे है, अभी हम घूमने के लिए चल रहे हैं। देखिए सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ, देखिए होटल तो इधर बहुत सारे हैं, इस लाइन में होटल बहुत सारे, ये पता नहीं क्या है। मंदिर में पहुंच चुके हैं, मंदिर के नज़दीकी हम अभी मंदिर में चलते हैं। मंदिर की जो लाइट है वो बहुत तगड़ी लग रही है यहाँ। अब मेरे पीछे देखिए, मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ, यह मंदिरों पीछे दिख रहा है। अभी हम वहीं चल रहे हैं, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। रात में बहुत ही तगड़ा लगता है मंदिर। और हमारे ये इसको देखिए, तो ये है मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम सीधे ऊपर चलते हैं, मंदिर के दर्शन तो हम कल सुबह करेंगे, अभी तो हम बस मंदिर तक चल रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच लेते हैं ताकि ये आगे आ रहे हैं। और ये आप यहाँ देख सकते हैं, SBI बैंक की भी शाखा खुल रखी है। अभी हम ऊपर चलते हैं, दीदी फोटो।
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत सारी ज़्यादा भीड़ है और अभी मंदिर खुलने वाला है आई गेस, क्योंकि 6 बजे आरती होती है। लेकिन हम वैसे अभी नहा के आते तो हम कल सुबह करेंगे। ये भाई भगवान हनुमान का दोस्तों, सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं तोड़ गया हूँ, ये अभी नहीं उठा क्योंकि हमें जल्दी जाना है और अभी इनको उठाना है, हमें जल्दी जाना है मंदिर क्योंकि हमें माड़ा जाना है अभी, तो मंदिर में भीड़ लगी होगी थोड़ा बहुत। अगर जल्दी जाएंगे तो हम माड़ा पहुँच जाएंगे, फिर आगे जो वसुधारा है वो भी देख पाएंगे। तो यहाँ है, यहाँ भी उनको भी फायदा कि सारे लोग उठ चुके हैं। चलो उठ भाई, अरे मन के बाद है यार, उठो भाई। ओ भाई, ओ भाई, उठो कहीं उठे, उठो कहीं उठे, टाइम मत दो तुम, 5:30 भाई, हुआ नहीं 4:00, उठ भाई। देखो ये उठने रहा है, इसको जाना भी है, ये उठ भी नहीं रहा है, क्या करें। अभी उठा दें इनको, खींचते हैं इनको यहाँ से। हमारे जो ये 2 बंदे हैं ये उठ नहीं रहे हैं और जिनकी वजह से हमें लेट हो रहा है, हम इनको उठाने का कितना प्रयास कर रहे हैं बट ये उठ ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पे हम इनको उठाने का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन ये अपने बिस्तर से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से और टाइम हो चुका है, लगभग 6 बज चुके हैं और 6 बज चुके हैं। हम पहले मंदिर निकलेंगे, वहाँ थोड़ा नहाएंगे, जो तप्त कुंड होता है जिसमें गर्म पानी निकलता है, नहाएंगे, फिर मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे इधर, और फिर यहाँ से उसके बाद उसके आने जाने का प्लान होगा। चलिए अब आ की सुनो, एक ट्रिक बताऊँ, यहाँ पर कोई पता नहीं करेगा जो भारी वो मैं आखिर कह रही। दूसरे व्यू को देख, अभी 6 बज रहा है, ऊपर बहुत चमक रहा है, इस पर सूरज की रोशनी पड़ चुकी है, इसके वो तो खत्म। मतलब अभी यहाँ देखो, नीचे साइड देखो, अब रात हो रही है पूरी टोटल, लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर पूरा ही बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है और आज मौसम बहुत साफ है तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। अभी हम पहले मंदिर चलते हैं। ये है सुबह का मौसम इधर का,
बर्फ तो ऊपर से बहुत ज़्यादा चमक रही है और आप देखिए वो मंदिर उधर पे है और मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हम पहले स्नान करेंगे फिर उसके बाद हम प्रतापपुर से जाएंगे। अभी लेंगे भैया भाई क्या लाएंगे चल अरे वो ये क्यों बोलते हैं दोस्तों। अभी हम स्नान करके आ चुके हैं और जो हमारे साथ जो चार लौंडे थे उन्होंने नहीं किया, उन्हें ठंड लग रही थी तो वो ऐसे करके आ गए हैं। अभी मंदिर में ऐसे ही चल रहे हैं, अभी हमने स्नान कर लिया तो अभी हम मंदिर में चलते हैं। ये हैं जो चार लोग जिन्होंने स्नान नहीं किया, ये देखिए आप इसको इनको अरे एक और इसको ये नहाए नहीं ये चार लोग हैं यहाँ और ये अशुद्ध प्राणी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। जय तुम मेरे पर शादी जा 100 रुपये आज जा। अरे 50 रुपये ले एक एक ले सबका सब अब अलग अलग रखो। हाँ ये पकड़ो ये चल रहा कौन सा 50 रुपये इतना पकड़ो कोई बात नहीं ले पैसा एक नहीं दे जाओ 50 रुपये ले दर्शन करो ले ले देखो अभी आप देखो चल रहा है तो ये फोटो जोड़ ली फायदा करो अभी दे दो अभी नहीं दिनों में दोबारा अरे पहले खींचो ना मंदिर जाना तो ले जाओ फोटो जल्दीबाजी में पहले के रखे जहाँ मंदिर बनाएंगे मिठाई लगाएंगे जाते टाइम की चाहिए ना आते टाइम को तैयार रहिए लाइन लग रही है उतनी भीड़ नहीं है। अभी हम इधर से चलेंगे देखिए कम भीड़ लग रही है और रास्ता इधर से है तो हम इधर से चलेंगे। यहाँ आजकल भीड़ बहुत कम है ठीक है मतलब सही है। अगर आप स्नान करने अगर यहाँ दर्शन करने आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। भगवान बद्री भगवान बद्री सर और जब ये मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं होगा तो आपको दर्शन यहीं पे तक करा पाऊँगा मैं। ये देखिए और यहाँ का व्यू देखिए। चलो अभी हम मंदिर में चलते हैं दोस्तों चलिए। अभी हम मंदिर से बाहर निकल चुके हैं और मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप देख सकते हैं मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है जितनी और होती है इस बार क्योंकि कोविड के कारण भीड़ नहीं हो रही है ज़्यादा। और अभी हम निकलने वाले हैं घर के लिए नहीं, अभी हम पहले रूम पे जाएंगे फिर वहाँ से माया के लिए निकलेंगे। यहाँ का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत व्यू है, पहाड़ हैं इनकी खूबसूरती आप बयान नहीं कर सकते अपने मुँह से। इन पे जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा चमक रही है। ऊपर देखिए उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो अभी यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ी लेकिन पहाड़ों पे सूरज की रोशनी पड़ी और अब मंदिर को देखिए क्या खूबसूरत मंदिर दिख रहा है। रात में इसका नज़ारा बहुत ही भव्य हो जाता है। अभी हम कमरे से निकल चुके हैं और मंदिर के लिए चलते हैं। प्रोग्राम चल रहा है क्या खाते हैं
That's very good. अब हम निकलने वाले हैं माने की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका है लगभग 8:30 और यहाँ धूप आ चुकी है। मेरे पीछे देख सकते हैं धूप आ चुकी है। अब चलते हैं माने के लिए। पहुंच चुके हैं माना, और ये लगभग 3 किलोमीटर था इधर, थोड़ा चढ़ाई बेहुल माना बार बात ये माना यू जो रास्ता उधर पे थोड़ा बड़ा फिसलन था, वहाँ पे बाइक फिसल रही थी, और अभी हम पैदल चलते हैं यहाँ से और स्टार्ट करते हैं पैदल, क्योंकि हमें जाने में बहुत सुधार है। दोस्तों ये हो गया है माना गाँव स्टार्ट यहाँ से, और माना गाँव स्टार्ट हो गया तो यहाँ आपको हाथ से बनी हुई चीज़ें मिलना स्टार्ट हो गई। ये यहाँ के लोगों का ये हाथ से बने हुए हैं। पहुंच चुके हैं भीमपुर में, अभी चलते हैं इधर, दिखेगा आपको बहुत ही अच्छा। हाँ भाई दोस्तों, ये है आपका भीमपुर और हम पहुंच चुके हैं ये देखिए आप भीमपुर को। देखो कितना खतरनाक, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन बहुत ही खतरनाक। यहाँ की मान्यता है वो ये है कि जब पांडव लोग, पांडव भगवान लोग जब यहाँ से स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो उस टाइम में यहाँ पे कुछ भी पुल नहीं था, और जब वो जा रहे थे तो पार नहीं खा रहे थे, तो भगवान ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और दोनों जगहों में मिला दिया। तो देखिए दोस्तों, ये है भीम पुल, ये है जो बड़ा सा पत्थर रखा था ये, तो ये आप देख सकते हैं इसमें और इसमें मिला हुआ है दोनों पत्थर, और इसी ने ये टाइप का बांध काम कर रहा है। और ये माना जाता है कि ये जो भीम भगवान है उनके हाथ का जो उनके हाथ के निशान हैं, आप देख सकते हैं ये उंगलियों के निशान है, 1, 2, 3, 4 तो ये उंगलियों के निशान हैं। और ये है यहाँ पे जो लास्ट दुकान है हिंदुस्तान की, आप उनके टाइटल में भी पढ़ सकते हैं कि ये हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है। और यहाँ पे जो पानी की बॉटल्स हैं, जो सरस्वती जल है वो मिलेगा, चाय चुई मिलेगी। चलते हैं दोस्तों वसुधारा की तरफ, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और वो पैदल मार्ग है, तो जो पैदल यात्रा करते हैं वहाँ बहुत ही अच्छा वाटरफॉल टाइप का दिखेगा। तो हमारा मार्ग शुरू होता हुआ वसुधारा की तरफ, और ये रास्ता है ये लगभग 5 किलोमीटर है, और इसी रास्ते से जो 5 पांडव थे वो गए थे स्वर्ग की ओर, और आज हम भी उसी रास्ते से स्वर्ग को पाने के लिए चल रहे हैं, स्वर्ग का व्यू देखने के लिए चल रहे हैं। और आप यहाँ से व्यू देखिए, दोस्तों लगभग हम 1 किलोमीटर चल चुके हैं, और अभी हमें लगभग 4 किलोमीटर और चलना है। थक चुके हैं थोड़ा बहुत, मेरे साथी लोग आ रहे हैं वो पीछे, देखिए आराम आराम से कुछ यहाँ पर बैठ रखे हैं। अभी हमें 4 किलोमीटर और चलना आगे, टाइम हो रहा है लगभग, लेट मी चेक, 9:52 हो रहा है, 10 बज रहे हैं।
फाइनली हमें धारा दिख चुका है और जो धारा है वो उधर है, जो वाटरफॉल है वो उधर है। अभी वो लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा, तो लगभग 4 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी भी बहुत दूर लग रहा है वो। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे है बट बहुत दूर है। हाँ भाई, कैसा लग रहा है आपको इतने दूर आके? आपको अच्छा नहीं लगा? बहुत थक गए हो? आपको क्या हुआ? आपको बढ़िया लग रहा है? तो यहाँ क्या है मेरा? तेरी शक्ल देखने के लिए है? आपको कपलाट हो रही है? फिर भाई को कपलाट हो रही है इधर, बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही दूर था ये देखिए मेरे पीछे, मेरे पीछे बर्फ बर्फ है। ये देखिए आप, ये ऊपर से ये धारा निकल रही है, ये ऊपर से ये नीचे तक आ ही नहीं पा रहा है, ये नीचे आने आने तक ये वेपर में कन्वर्ट हो जा रही है और नीचे बर्फ ही बर्फ है। ये देखिए इतनी सारी बर्फ, चट्टान ऊपर से बर्फ भी टूट रही है, तो हम इसके नीचे जा नहीं सकते, थोड़ा बहुत जा सकते किसी ऊपर। ये है वसुधारा यहाँ का। तो अब टाइम हो गया है, 12 बज गई है यहाँ, 11 बज चुकी है और देख लिया हमने वसुधारा। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, यहाँ से पहले चलते हैं माड़ा, चलते हैं पहले वहाँ थोड़ा नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद जोशीमठ चलेंगे, फिर घर चलते हैं। हवा